हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है, तो इसका लगातार मैं एमसीक्यू अपलोड कर रही हूँ, ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। उसके अलावा मैंने सोशियोलॉजी और कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर भी जो आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर में है, उसकी भी मैं लगातार अपलोड कर रही हूँ ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन की वीडियोस। तो उन सभी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और देखिए, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सभी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, वेयर डिड रेटोरिक ओरिजिनेट, यानी कि रेटोरिक कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, देखिए ग्रीस, ऑप्शन नंबर फोर ग्रीस से हुई थी। आपका क्वेश्चन नंबर टू है, हु रिगार्डेड रेटोरिक एज द आर्ट ऑफ फ्लैटरी ऑफ द इग्नोरेंट मैसेज। तो देखिए, इसमें आप देखिए ऑप्शन सिक्रेट्स, होरेस, प्लेटो, क्वेंटिलियन। तो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट सी वाला, प्लेटो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है, द साइंस ऑफ वेरिफिकेशन एंड मीटर इज कॉल्ड, यानी वेरिफिकेशन एंड मीटर की जो साइंस है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए है फोनेटिक्स, प्रोसोडी, लिंग्विस्टिक्स, फोनोलॉजी। तो जो वेरिफिकेशन एंड मीटर की जो साइंस होती है, जिसमें उसका अध्ययन किया जाता है, उसे प्रोसोडी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, ए वर्स ऑफ सिक्स फीट और मीजर्स इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा वर्स जिसमें सिक्स फीट होते हैं या सिक्स मीजर्स होती हैं, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर एक है हेक्सामीटर, बी है टेट्रामीटर, हेप्टामीटर या पेंटामीटर। तो जिस भी वर्स में सिक्स फीट होगी उसे हेक्सामीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए वर्स ऑफ फाइव एमेबिक फीट, यानी कि इनमें से किस वर्स में फाइव एमेबिक फीट होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है पेंटामीटर, बी ट्राईमीटर, मोनोमीटर या फिर डायमीटर। तो जिसमें भी फाइव फीट आ जाएगी, चाहे वो कोई भी फीट हो, बस फाइव फीट जिसमें भी आ जाए, चाहे एमेबिक की हो या फिर किसी और की, तो वो हमेशा पेंटामीटर ही हो। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ए वर्स ऑफ थ्री फीट और मीजर्स इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे थ्री फीट की बात हो रही है कि जिसमें थ्री फीट होगा, किसी वर्स में अगर थ्री फीट या थ्री मीजर्स हुए तो उसे हम क्या कहेंगे। तो अब देखिए ऑप्शन देखिए, डायमीटर, ट्राईमीटर या टेट्रामीटर या पेंटामीटर। तो जिस भी वर्स में थ्री फीट या थ्री मीजर्स आ जाएंगे उसे हम ट्राईमीटर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज रेटोरिक, रेटोरिक क्या है। तो ऑप्शन देखिए, ए है द आर्ट ऑफ लिसनिंग, द आर्ट ऑफ रीडिंग, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग या फिर द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो रेटोरिक होता है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर एट है, हु रोट द बुक पोएटिक्स, यानी पोएटिक्स बुक किसने लिखी। तो ऑप्शन देखिए, कोलेरिज, आई ए रिचार्ड, क्वेंटिलियन या फिर एरिस्टोटल। तो जो पोएटिक्स बुक है वो एरिस्टोटल ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एरिस्टोटल करेक्ट है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन, हु रोट रेटोरिक, रिटोरिक किसने लिखी। तो ऑप्शन देखिए, क्वेंटिलियन, कोलेरिज, एरिस्टोटल या फिर रिचार्ड्स। तो रिटोरिक क्वेंटिलियन ने लिखी। अब देखिए क्वेंटिलियन वॉज, क्वेंटिलियन था, वो क्या था। ऑप्शन देखिए, इंग्लिश था या रोमन था या अमेरिकन था या ग्रीक था। तो क्वेंटिलियन जो था वो रोमन था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हु रोट द बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, यानी कि जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बुक है वो किसने लिखी। तो अपना ऑप्शन देखिए, क्वेंटिलियन, एरिस्टोटल, आई ए रिचार्ड्स या फिर कोलेरिज। तो जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है वो आई ए रिचार्ड्स ने लिखी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेजी बाय मिल्टन। यहाँ पे कुछ इलेजीज के नाम दिए जा रहे हैं ऑप्शन में, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी इलेजी जॉन मिल्टन की है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके जॉन मिल्टन से रिलेटेड आएंगे, कि जॉन मिल्टन के बारे में आएंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, तो मैंने सोचा इस पर भी बना दूं। और देखिए जॉन मिल्टन की जो सनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उस पर भी पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने। तो चलिए आप आइए जॉन मिल्टन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेजी बाय मिल्टन, इसमें से कौन सी इलेजी जॉन मिल्टन की है। तो देखिए ऑप्शन है कॉमर्स, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिटिस टू नेटिविटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, या फिर लिसीडेस। तो अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन ने लिखा है, तो बस इसी पे मार्क कर दो, करेक्ट हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉर्म ऑफ पोएट्री में क्या दिया जा रहा है, इलेजी दिया जा रहा है, सनेट नहीं। और जॉन मिल्टन का जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो एक सनेट है, इटालियन सनेट है, तो इसलिए जो इनकी इलेजी है वो है लिसीडेस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, लिसीडेस। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, लिसीडेस आपका करेक्ट आंसर नहीं है, जॉन मिल्टन की इलेजी है। अब देखिए 13 है आपका, हाउ मेनी क्वेट्रेंस आर देयर इन द मिल्टोनिक सनेट। देखिए मिल्टोनिक सनेट यानी कि जॉन मिल्टन के सनेट में कितने क्वेट्रेंस हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर देखिए 2 है, 3 है, 4 या 5 क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है 2, क्योंकि इन्होंने इटालियन सनेट को फॉलो किया, और इटालियन सनेट क्या होता है, इसमें कितने क्वेट्रेंस, कितने एक्टिव, क्या क्या सेंसेस होते हैं, सारी चीजों की वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें पूरा बताया भी है मैंने इंग्लिश सनेट और इटालियन सनेट के बारे में। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे पता लगता है कि कितने क्वेट्रेंस हैं, कितने ऑक्टेव हैं, कितने सेस्टेस हैं, तो आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पर देखिए जो मिल्टन के क्वेट्रेंस होते हैं उनके सनेट में वो 2 होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हाउ मेनी सनेट्स डिड मिल्टन राइट इन इंग्लिश। अब देखिए हाउ मेनी सनेट्स, मिल्टन ने कितने सनेट्स लिखे, वो भी इंग्लिश में, इंग्लिश के कितने सनेट्स उन्होंने लिखे। तो ऑप्शन देखिए 10, 14, 11 या फिर 18। तो मिल्टन ने इंग्लिश में टोटल 18 सनेट लिखे हैं, यानी 18। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सनेट्स कंपोज्ड बाय मिल्टन, यानी कि टोटल कितनी सनेट्स कंपोज की गई, लिखी गई जॉन मिल्टन के द्वारा। देखिए यहाँ पर पहले इंग्लिश में पूछा गया था, तो इंग्लिश में उन्होंने 18 सनेट लिखी। अब टोटल उन्होंने अपनी लाइफ में जितनी भी सनेट्स लिखी तो कितनी हैं, तो देखिए ऑप्शन 19, 22, 23, 26। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है 23 ये करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, हु अकॉर्डिंग टू मिल्टन सर्व गॉड बेस्ड। अब देखिए सर्व गॉड बेस्ड ये किनकी, किस सनेट की लाइन है। जब मैंने आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की पोएम पढ़ाई थी, सनेट पढ़ाई थी, तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ वहां पर एक लाइन आती है सर्व गॉड बेस्ड, कि कौन मतलब मनुष्य, कौन सा मनुष्य गॉड को अच्छा सर्व करता है, गॉड की अच्छी सेवा करता है। तो जॉन मिल्टन उसके बारे में भी बताते हैं कि कौन सा मनुष्य गॉड की अच्छी सेवा करता है। तो ऑप्शन में देखिए दिया जा रहा है, तो देखिए इसमें ऑप्शन दोज हु डू नॉट कम्प्लेन, यानी वो लोग जो कम्प्लेन नहीं करते गॉड से, या फिर दोज हु यूज देयर नेचुरल गिफ्ट्स, या फिर वो लोग जो नेचुरल गिफ्ट्स को यूज करते हैं, फिर दोज हु बियर हिज माइंड योग पेशेंटली। देखिए इसका मतलब है दोज वो लोग हु बियर, जो बियर करते हैं मतलब बर्दाश्त करते हैं, हिज माइंड योग पेशेंटली, पेशेंटली मतलब धैर्य के साथ, सब्र के साथ, यानी कि गॉड के द्वारा दिया गया जो दर्द है, तकलीफ है मनुष्यों को, जो लोग इसको बहुत ही सब्र के साथ उस दर्द को बर्दाश्त करते हैं, मतलब शिकायत नहीं करते गॉड से कि मेरे साथ ऐसा क्यों, तो वही लोग गॉड को अच्छी, गॉड की अच्छी सेवा करते हैं, कि वो गॉड के मतलब गॉड के द्वारा दी गई जो भी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, उसको बहुत ही धैर्य सब्र के साथ बर्दाश्त करते हैं। तो उसी, तो जॉन मिल्टन अपनी इस सनेट में यही कहते हैं कि ऐसे ही लोग गॉड की अच्छी सेवा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब देखिए 17 है, पैराडाइज लॉस्ट इज द ग्रेटेस्ट
एपिक इन द, देखिए पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन की एक एपिक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट किस लैंग्वेज में है, मतलब जॉन मिल्टन ने इसे किस लैंग्वेज में लिखा। तो ऑप्शन देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, लैटिन या फिर इटालियन या फिर फ्रेंच। तो ये जो उनका एपिक है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन रिटेन इन, यानी ये जब लिखी गई, इन्होंने लिखा तो उसको किस में लिखा, कौन से वर्ष में। देखिए ए है फ्री वर्स या फिर ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट या स्पेंसेरियन स्टेंजा। तो उन्होंने इसको लिखा था ब्लैंक वर्स में, और ब्लैंक वर्स क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आपको फॉर्म ऑफ स्टेंजा पढ़ाया था। देखिए ब्लैंक वर्स होता है जिसमें कोई दुख नहीं मिलती, लाइनें के मतलब कि जैसे कि सोनेट के अंदर लाइन बंधी हुई है ना कि 14 लाइन होनी है, तो ब्लैंक वर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। चार लाइन का भी हो सकता है, पांच लाइन का भी हो सकता है, छह लाइन का भी हो सकता है, तीन लाइन का भी हो सकता है, और जिसकी राइमिंग स्कीम होती है वो मैच नहीं करती। तो पैराडाइज लॉस्ट को उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। देखिए अब आपका 19 है, हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी, यानी कि जॉन मिल्टन ने कितनी टाइम शादी की, यानी उन्होंने कितनी शादियां की थी। तो जॉन मिल्टन ने टोटल 3 मैरिज की थी, 3 शादियां की थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है 3। देखिए आपका 20 है, हु रोट लिसिडियस इन द ईयर 1637, कि लिसिडियस को 1637 ईस्वी में किसने लिखा था। देखिए पहले मैं बता चुकी हूँ कि जॉन मिल्टन ने लिखा है, लेकिन पेपर में इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो देखिए मिल्टन, आपका ऑप्शन नंबर डी मिल्टन ने उनको लिखा था। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, मिल्टन्स एरियोपैजिटिका इज, देखिए जो मिल्टन की एरियोपैजिटिका है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये पेपर में पूछी जाती है, बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें भी आ जाता है जब आप इंग्लिश लिटरेचर से अगर करेंगे। देखिए ये उन्होंने क्यों लिखा था, अपने ऑप्शन देखिए पहले फिर बताती हूँ। देखिए पहले अ सनेट, ए ड्रामेटिक पोएम, एलेजी या फिर ए प्ली फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो ए प्ली फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। देखिए एरियोपैजिटिका उन्होंने इसलिए लिखा था कि जब भी कोई कुछ भी लिखता था तो उसको जब पब्लिश कराना था तो उसको पूरा चेक किया जाता था, उसके बाद ही वो पब्लिश की जाती थी। तो उन्होंने इसलिए इसको लिखा कि जब भी किसी का कोई प्रेस हो, जब भी कोई कुछ लिखे तो उसको पूरी फ्रीडम होनी चाहिए उसे लिखने की, उसे पब्लिश कराने की। तो इस तरह से उन्होंने ये एक लिखी थी एरियोपैजिटिका इसी उद्देश्य से, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखिए 22 है, व्हेन वाज मिल्टन बॉर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्टन के बॉर्न जरूर पूछेगा। तो 1608 में इनका बॉर्न हुआ था। अब देखिए 23, एट विच एज डिड मिल्टन बिकम ब्लाइंड, किस एज में मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे, क्योंकि देखिए ये ब्लाइंड रहेगा ब्लाइंड। तो स्टूडेंट्स जो इनकी ऑन इज ब्लाइंडनेस है, उन्होंने अपने अंधेपन के बारे में उसमें पूरा बताया है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका सनेट है। तो ये 44 की एज में ब्लाइंड हो चुके थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अब देखिए अगला है, व्हेन डिड मिल्टन बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड, मिल्टन पूरी तरह से कब ब्लाइंड हो गए थे, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पूरी तरह से वो ब्लाइंड हो गए थे 1652 में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। देखिए आपका 25 क्वेश्चन है, व्हेन डिड मिल्टन डाई, मिल्टन की मृत्यु कब हुई। तो ऑप्शन देखिए 10 दिसंबर 1647 या फिर 8 नवंबर 1674 या 10 अक्टूबर 1674 या 10 सितंबर 1674। तो इनकी मृत्यु, इनकी डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674 में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स देखिए आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा आप सेकेंड सेमेस्टर का, फिर आप लोग बीए के थर्ड सेमेस्टर में चले जाएंगे। तो जिस तरह से आपको अपने बीए के सेकेंड सेमेस्टर की सभी वीडियोस पढ़ने के लिए मिल रही थी मेरे चैनल पे, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस के साथ साथ, तो उसी तरह मैंने आपके बीए के थर्ड सेमेस्टर की भी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास स्टार्ट कर दी है, और आपके सोशियोलॉजी की भी क्लास स्टार्ट कर दी है। तो जो भी स्टूडेंट्स अपने थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर या फिर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और फिर मैं अदर सब्जेक्ट की भी क्लास शुरू करूंगी, मगर इसके अगर आप लोग पढ़ते हैं तो जुड़ जाइए मेरे चैनल से, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियोस मेरे चैनल पर पढ़ने के लिए मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।